हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जानकारी मध्य प्रदेश रेलवे द्वारा निकाली गई 200 रिक्तियों के बारे में जो अप्रेंटिस के लिए निकाली गई हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी है और आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, आपकी आयु 21 जनवरी 2020 के आधार पर 15 वर्ष न्यूनतम और 24 वर्ष अधिकतम है, तो आप इस अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक PDF फाइल ओपन किया हुआ है और इसमें साफ साफ मेंशन है 27 जनवरी 2020 से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 26 फरवरी 2020 है। और फ्रेंड्स, मुख्य मुख्य जानकारी मैं यह अभी बता देता हूँ। आयु जैसे कि मैंने बता दिया, न्यूनतम 15 वर्ष, अधिकतम 24 वर्ष है। नियमानुसार छूट होंगी। और फ्रेंड्स, जो आवेदन शुल्क है वो ₹170 सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, महिला वर्ग के लिए, सभी महिलाओं के लिए ₹70 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए भी ₹70 निर्धारित किए गए हैं। आयु की सीमा 21 जनवरी 2020 के आधार पर की जाएगी गणना जो आयु की होगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ट्रेड कौन कौन से हैं, फिटर है, कुल 50 सीटें हैं, सामान्य के लिए 22, अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13, EWS के लिए 5 और प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष की है। और इसमें 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा फिटर व्यवसाय में ITI उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसी तरीके से दोस्तों देखेंगे आप, वेल्डर के लिए 20, इलेक्ट्रीशियन के लिए 60, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 10, सेक्रेटरियल असिस्टेंट अंग्रेजी 5, पेंटर जनरल 30, ड्राइवर मैकेनिक 5, मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस व्हीकल 10, CNC प्रोग्रामर ऑपरेटर 10। इस तरीके से ये प्रत्येक ट्रेड के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो सीटें निर्धारित की गई हैं, अगले आप इसे कॉलम में देख सकते हैं। और साथ में इनके द्वारा, जिसे आप देख सकते हैं, पेंटर के लिए 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं हाई स्कूल मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा पेंटर व्यवसाय में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों, जो संबंधित ट्रेड है उसमें ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, 10वीं कक्षा आपकी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। अपने ट्रेड के अनुसार अपना एजुकेशन और अपना सर्टिफिकेट इसमें आप देख सकते हैं आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप अपनी सीटें भी इस सारणी में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना करियर शुरू करना चाहते हैं रेलवे से और आप अप्रेंटिस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो 26 फरवरी 2020 से पहले आप इसमें आवेदन कर दें। आशा करता हूँ दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण साबित होगी। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उन लोगों का भी को भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी जो अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, जिनके पास 10वीं के बाद ITI में सर्टिफिकेट्स हैं संबंधित ट्रेड में, वे भी समय से आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाले महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल पर आपको टॉप पे जो नोटिफिकेशन बेल दिया है उसे क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर उपस्थित होऊंगा एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।